Hello students, welcome to my channel Engineering in Minutes. आज हम एक टॉपिक देखते हैं जो कि है HTML. So what is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML है ये Hypertext Markup Language है. It is not a programming language. तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो HTML है वो बाकी programming languages की तरह कोई programming language नहीं है. ये एक markup language है, which is used to design web pages. जो कि वेब HTML किस लिए यूज़ होता है, जो भी हम वेब पेजेस एक्सेस करते हैं नेट पे, HTML उसको डिज़ाइन करने के लिए काम आता है. इट इज़ कॉल्ड अ मार्कअप लैंग्वेज बिकॉज इट मार्क्स द इन्फॉर्मेशन बाय टैगिंग देम. ये मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहलाता है, क्योंकि जो भी इसमें इंफॉर्मेशन है या जो भी हम डेटा डालते हैं उसके अंदर टैग्स के थ्रू हम वो यूज़ करते हैं. सो बेसिकली HTML जो हम बात कर रहे थे कि एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, तो HTML एक कॉम्बिनेशन है हाइपरटेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज का. तो हाइपरटेक्स्ट क्या रहता है, हाइपरटेक्स्ट डिफाइंस द लिंक बिटवीन द वेब पेजेस. हाइपरटेक्स्ट वो टेक्स्ट रहता है जिसके थ्रू जो किसी और टेक्स्ट में जो हम क्लिक करें तो किसी और वेब पेज या और डेटा पे हमको लेके जाता है. और मार्कअप क्या रहता है, HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज बिकॉज इट अलाउज यूजर टू ऑर्गेनाइज द अपीयरेंस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द कंटेंट दैट शुड गो ऑन अ वेब पेज. तो मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहलाता है, क्योंकि हम HTML की हेल्प से क्या कर सकते हैं, यूजर्स जो हैं जो वेब पेजेस में कंटेंट आएगा या उसका वेब पेज कैसे अपीयर होता है वो हम इस HTML की हेल्प से उसको पूरा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. तो इसलिए जो HTML है ये हाइपरटेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन कहलाता है. नेक्स्ट इज व्हाट इन HTML कैसे हमें हेल्प करता है. तो HTML हेल्प्स इन, इट अलाउज द यूजर टू क्रिएट एन स्ट्रक्चर. क्या करता है ये, यूजर्स को हेल्प करता है HTML की हेल्प से. यूजर्स जो है जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, पैराग्राफ्स हैं, हेडिंग्स हैं, सेक्शंस हैं, मतलब जो भी आपका वेब पेज के ऊपर कंटेंट है या वेब एप्लीकेशंस के ऊपर कंटेंट है उनको स्ट्रक्चर देने के लिए काम आता है HTML. HTML एक्सटेंशंस क्या होते हैं, तो जो भी हम HTML डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स बनाते हैं तो हम इसको .html या .htm एक्सटेंशंस यूज़ करके सेव करते हैं. नेक्स्ट वी कम टू व्हाई टू लर्न HTML. सो बेसिकली हम HTML जो है इज नाउ कंसिडर्ड एज एन ऑफिशियल वेब स्टैंडर्ड. HTML को एक ऑफिशियल वेब स्टैंडर्ड की तरह कंसिडर करा जाता है. और जो HTML के स्पेसिफिकेशंस जो है वो मेंटेन और डेवलप जो है वो W3C के थ्रू इसको करे जाते हैं सारे. तो जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं या वेब एप्लीकेशन हम डिज़ाइन करते हैं, भले ही वो लार्ज हो या स्मॉल हो, उसको जो है एक वेब डेवलपर ही डिज़ाइन करता है. तो वेब डेवलपर क्या करता है, जो भी डिज़ाइन है हमें वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन की चाहिए वो लेता है, और जो भी लिस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन, जो भी मतलब उस वेबसाइट के अंदर हमें क्या क्या कंटेंट डालना है उसकी लिस्ट लेता है पूरा, और उन दोनों चीज़ों को लेके एक वेबसाइट को डिज़ाइन करता है HTML और CSS की हेल्प से, ताकि जो कि ब्राउज कर सकें अपन मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स या फिर कोई भी इंटरनेट पावर डिवाइस के ऊपर, मतलब एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकें. तो डेवलपर्स जो हैं वो HTML और CSS दोनों को यूज़ करके स्ट्रक्चर और डिज़ाइन करते हैं वेबसाइट को. जैसे कि अब HTML, CSS और JavaScript इन तीनों को यूज़ करके हम क्या करते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं. तो तीनों का क्या क्या रोल रहता है, जैसे HTML जो है वो स्ट्रक्चर पूरा प्रोवाइड करता है, CSS की हेल्प से हम प्रेजेंटेशन जो है या अपीयरेंस है वो वेबसाइट के अंदर ऐड करते हैं, और जो उसमें एक्शंस हैं जो आपके एलिमेंट्स डाले हैं अब वो उनके एक्शंस जो है वो JavaScript की हेल्प से. जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि HTML जो है इसने स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा है, CSS की हेल्प से उस स्ट्रक्चर पर हमने अपीयरेंस डाला है ताकि वो अच्छा लग सके, और JavaScript की हेल्प से हमने उस जो स्ट्रक्चर है और है उसको एक्शंस दिए हैं ताकि वो एक्शंस परफॉर्म कर सके. तो इन तीनों की हेल्प से हमारी वेबसाइट जो है एक अच्छी वेबसाइट बनती है. तो आज के हमने लेक्चर में HTML क्या रहता है वो देखा, और HTML, CSS और JavaScript में क्या डिफरेंस है. नेक्स्ट में हम देखते हैं कि HTML के बेसिक्स कैसे यूज़ होते हैं. थैंक यू.